हेलो बच्चों, मैं ममता जैन, व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स 12th की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के दो चैप्टर अपन पूरे कर चुके, अर्थशास्त्र का परिचय और उपभोक्ता का संतुलन। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा तीसरा लेसन है। लेसन का नाम है मांग की अवधारणा। बच्चों, अपन ने ये देख लिया था कि अर्थशास्त्र क्या है पहले चैप्टर में, सेकेंड में पढ़ा कि उपभोक्ता का संतुलन कैसे होगा, अब हम देखेंगे कि मांग क्या है। बच्चों, मांग शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं डिमांड। डिमांड या मांग से साधारण भाषा में अपन क्या अर्थ निकालते हैं, मांग मतलब इच्छा या आवश्यकता। लेकिन बच्चों, अर्थशास्त्र में केवल इच्छा या आवश्यकता को अपन मांग नहीं कह सकते, तो पहले मैं आपको उसकी परिभाषा बताती हूँ। मांग का मतलब होता है एक निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर, एक निश्चित समय अवधि पर या एक निश्चित समय बिंदु पर विभिन्न कीमतों पर किसी उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मांग को ही मांग कहते हैं। जैसे आपको भूख लग रही है, ठीक है। अब मांग के अंदर पहले मैं बता दूं कि पांच चीजों की आवश्यकता होती है। मांग हमारी इच्छा या आवश्यकता मांग बने उसके लिए पांच चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमारी इच्छा होनी चाहिए, जैसे हमें भूख लग रही है या मुझे लिखना है, तो मेरी आवश्यकता क्या है, पेन। तो पहले क्या होना चाहिए मांग के लिए, हमारी आवश्यकता या इच्छा। इच्छा को हम कह सकते हैं आवश्यकता। तो मांग कोई आवश्यकता, सबसे पहली शर्त है इसकी आवश्यकता। दूसरा होता है मुद्रा। मुद्रा मतलब करेंसी या पैसा, कि मेरी आवश्यकता है या मेरी इच्छा है कि मुझे पेन चाहिए, लेकिन क्या पेन को खरीदने के लिए मेरे पास पैसा है। तीसरी बात है मुद्रा खर्च करने की इच्छा। बच्चों, पेन चाहिए भी सही, पेन की आवश्यकता भी है, मेरे पास उसको खरीदने के लिए 20 रुपये भी हैं, लेकिन क्या ये 20 रुपये मैं उस पर खर्च करना चाहती हूँ। हो सकता है 20 रुपये मेरी प्रायोरिटी में कहीं कुछ और हो, मैं कुछ और खरीदना चाहती हूँ, तो वो मेरी मांग आवश्यकता, मेरी मांग नहीं बनेगी। तो तीन बातें तो महत्वपूर्ण है कि मांग के लिए किसी चीज़ की इच्छा, इच्छा को पूरा करने के लिए मुद्रा का होना और मुद्रा खर्च करने की भी इच्छा। उसके बाद दो बातें और हम जोड़ेंगे, एक होता है समय और कीमत। जब भी हम मांग की बात करेंगे तो समय और कीमत तत्व को जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग समय पर मांग अलग अलग होती है। और दूसरी बात कीमत, जब तक कीमत, हो सकता है अलग अलग वस्तु की कीमत होती है, किसी कीमत के ऊपर हम उस वस्तु को नहीं खरीदना चाहेंगे तो वो हमारी मांग नहीं बनेगी। तो मांग को समझने के लिए इन पांच तत्वों का होना आवश्यक है। तो ये तो हो गई हमारी मांग की परिभाषा। अब मैं आपको बताऊं कि मांग दो तरह की होती है, एक व्यक्तिगत मांग और एक बाजार मांग। अभी हम जिस मांग की बात कर रहे थे वो हम व्यक्तिगत मांग की बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने एक ही उपभोक्ता को जोड़ा है। लेकिन क्या बाजार में एक ही उपभोक्ता होता है? जी नहीं, एक से अधिक उपभोक्ता होते हैं। तो हम बात करेंगे बाजार मांग की। तो मैं शॉर्ट के अंदर ही आपको इसको समझा देती हूँ, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। परिभाषा हमको याद है, किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर एक व्यक्ति द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्रा को व्यक्तिगत मांग कहते हैं। क्लियर? बाजार मांग वही परिभाषा, थोड़ा सा डिफरेंट, कि किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर, किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर एक से अधिक उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली मांग के योग को बाजार मांग कहते हैं। जैसे समझ लो कि बाजार के अंदर ए एवं बी उपभोक्ता है। यदि हम बात करते हैं केवल ए की, तो ये तो कहलाएगी हमारी व्यक्तिगत मांग। लेकिन यदि हम बात करते हैं ए एवं बी दोनों की, तो ए प्लस बी मिलकर हमारा पूरा बन जाता है बाजार मांग। तो ये हो गया बाजार मांग। अर्थात बाजार में तो एक से अधिक उपभोक्ता होते हैं, तो निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली मांग के योग को क्या कहेंगे? बाजार मांग। ठीक है, अब आगे आते हैं अपन मांग अनुसूची। अनुसूची का अर्थ मैंने पहले वाले कई वीडियो में बताया है। अनुसूची का सिंपल सा अर्थ होता है सारणी। जब जो हमने बातें करी अभी, यदि उन्हीं सब चीजों को मैं सारणी के अंदर बताते तो मांग अनुसूची बन जाती है। तो मैं सिंपल से डेफिनेशन बता देती हूँ कि निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को यदि हम सारणी में लिखते हैं तो इसको मांग अनुसूची कहते हैं। अब जो मेन बात है बच्चों, कि जब हम मांग की बात करते हैं तो बिना कीमत के हम मांग की बात कर ही नहीं सकते। तो जब हम अनुसूची बनाएंगे तो अनुसूची के अंदर हमें कीमत को लिखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे मैंने कीमत लिख दिया यहाँ पर और यहाँ पर मांग मात्रा लिख दी। अब यहाँ पर मैं लिख दूँ 1 रुपया, 2, 3, 4 और 5 रुपये पर। तो एक पर यदि कोई 50 इकाई खरीदता है, 40, 30, 20 और 10, तो ये यदि मैंने किसी व्यक्ति की मांग को उसकी कीमत के साथ बताने के लिए यदि मैंने एक सारणी बना दी, तो
तो ये होती है मांग अनुसूची। अब यदि हमने केवल यहाँ पर एक उपभोक्ता को लिया है तो ये व्यक्तिगत मांग अनुसूची हो गई। लेकिन मैं क्या करूँ, बाजार के अंदर मैंने सोचा कि एक और उपभोक्ता है, तीसरा, तीन उपभोक्ता भी है, कई सारे हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम तीन उपभोक्ता को यहाँ पर ले रहे, तो इसकी भी लिख दीजिए। सपोज इसकी मांग ये है और इसकी मांग हो सकती है, ये भी हो सकती है, 25, 20, 15, 10, ठीक है। तो अगर जो हम इन तीनों के जोड़ दें, ए प्लस बी प्लस सी कर देते, तो ये हो जाता है बाजार मांग अनुसूची। तो बहुत सिंपल है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची हो गया और बाजार मांग अनुसूची हो गया। अब आगे आएगा अपना वक्र। वक्र का मतलब होता है ग्राफ या मानचित्र या चित्र। गणित के अंदर भी अपन बहुत सारे ग्राफ बनाते हैं, अर्थशास्त्र के पूर्व चैप्टर में भी अपन ने ग्राफ बनाए। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हमारी जो मांग अनुसूची थी वो दो तरह की थी, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। अब हमारे इसी प्रकार वक्र भी दो तरह के हो जाएंगे, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची को जब हम ग्राफ के अंदर दर्शाएंगे तो व्यक्तिगत मांग वक्र, और व्यक्तिगत बाजार मांग अनुसूची को जब हम ग्राफ में बताएंगे तो वो बाजार मांग वक्र बन जाएगा। बहुत सिंपल है। तो अब हम बनाएंगे व्यक्तिगत मांग वक्र का, मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। देखिए सबसे पहले मैं आपको वापस से अनुसूची बना देते हैं। अपन यहाँ पर अपन ने ले ली थी कीमत और यहाँ पर मात्रा, माना कि अभी अपना ए उपभोक्ता है, क्योंकि जो वक्र भी मैंने आपको जैसे बताया व्यक्तिगत और बाजार दो होते, पहले अपन व्यक्तिगत मांग वक्र बनाएंगे। तो कीमत को बढ़ा दीजिए 1, 2, 3, 4 और 5, उसी के आधार पर जो मांग मात्रा है वो 50, 40, 30, 20 और 10। अब हम इसको ग्राफ में बता देंगे, ये 0, ये अपना एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। यहां पर तो अपन ले लो क्वांटिटी मात्रा ले लो, और यहां पर ले लो कीमत। ये उल्टा मत कर देना एग्जाम में, बिल्कुल अपन को ध्यान रखना है कि मात्रा को नीचे लेना है एक्स अक्ष पे और कीमत को वाई अक्ष पे लेना है। अब देखिए अपनी मात्रा क्या हो रही है, यहां पर 10, 20, 30, 40 और 50, और कीमत बढ़ा दो 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखो 1 रुपया जब है तब उपभोक्ता कितनी मात्रा खरीद रहा है, 50, तो डॉट लगा लिया। 2 पे 40, डॉट लगा लीजिए। 3 पे 30, 3 पे 30, 4 पे 20, 4 पे 20 और 5 पे 5। जब 5 रुपया कीमत है तो बस उपभोक्ता इसकी 10 इकाई ले रहा है। तो आपका ग्राफ कैसा आ गया, ये ऋणात्मक ढाल का ग्राफ है। ध्यान रखिए कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी मात्रा, या इसको कह सकते हैं मांग मात्रा। तो कीमत और मात्रा के बीच में जो हम ग्राफ खींचते हैं इसे हम कहते हैं मांग वक्र। क्या कहते हैं, मांग वक्र। इसको डीडी से अपन बता सकते हैं। तो ये तो हो गया व्यक्तिगत अनुसूची से व्यक्तिगत मांग वक्र बना दिया। अब समझ लो यहाँ पर एक उपभोक्ता था, अब अपन एक और ले लेते हैं बी। इसी कीमत के ऊपर सपोज बी जो खरीदारी करता है वो होता है 40, 30, 20, 10 और 5। तो दोनों की मांग मात्रा को जोड़ दीजिए, 50 और 40 90, 40 70, 30 और 20 50, 20 और 10 30 और 10 और 5 15। तो ये दोनों को प्लस करने पर जो मात्रा आती है उसे हम कहते हैं बाजार मांग, बाजार मांग। और बाजार मांग और कीमत को लेकर के जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसे बाजार मांग वक्र भी कहेंगे। तो ये तो अपना ए का हो गया, ऐसे कैसे अपन बी के लिए भी बना सकते हैं। ये जो मैंने ग्राफ बनाया था वो काय के लिए बनाया था, ए उपभोक्ता के लिए। यदि मैं ऐसा कैसा बी उपभोक्ता के लिए बनाऊंगी तो मेरा कैसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि इसने 1 रुपए कीमत के ऊपर कितना खरीदा था, 40, 40। तो यहाँ पर इसका ग्राफ लगभग कुछ इस तरह से जाएगा, और क्योंकि इसने एक जब 5 रुपए कीमत थी तो इसने 5 खरीदा था, तो जो लास्ट आएगा वो अपना ग्राफ इस तरह आएगा। और आप इन सबको भी लिख सकते हो, जैसे बी उपभोक्ता ने 1 रुपए कीमत पे 40, 2 पे 30, 3 पे इसने कितना खरीदा था 20, तो 3 पर इसको 20 कर दीजिए, 4 पर इसने खरीदा था 10। तो ये एक और ग्राफ भी इसका भी गिरता हुआ आएगा। अब ये तो हो गए दोनों के अलग अलग मांग वक्र, लेकिन यदि हम दोनों की मांग मात्रा को जोड़ देते हैं तो 1 रुपए के ऊपर उन्होंने, तो इसको ग्राफ को ऊपर और बढ़ा देते हैं 60, 70, 80 और 90।
बच्चों मैं तो बिल्कुल रफ डायग्राम बना रही हूँ, लेकिन जब आप बेटा काम करोगे तो कॉपी के अंदर पेंसिल स्केल से अच्छे से ग्राफ बनाना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक बात बहुत ध्यान रखना, चित्र के नंबर मिलते हैं, ग्राफ बिल्कुल बेटा सही होने चाहिए। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, बाजार मांग वगैरह बना रहे हैं। तो यहाँ पर फिर देख लीजिए बहुत अच्छे से, एक रुपए के ऊपर 90, तो अपना पहला डॉट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। दो रुपए के ऊपर 70, तो 2 रुपए के ऊपर 70 आपका यहाँ पर आ जाएगा। 3 के ऊपर कितना आ गया, 50, तो 3 पे 50 आपका यहाँ आ गया। 4 पे 30, तो 4 पे 30 यहाँ आ जाएगा लगभग। और 5 पे 15, तो ये बीच में आ गया 5 पे 15। तो ये हो गया बाजार मांग वक्र, ये क्या हो गया, बाजार मांग वक्र। तो देखा बच्चों आपने कितना इजी था। तो अपना आज का जो थर्ड लेसन चालू हुआ मांग की अवधारणा, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले देखा मांग की परिभाषा। मांग का मतलब इच्छा होता है, लेकिन इच्छा मांग तब बनती है जब इसको खरीदने के लिए पास हमारे पास मुद्रा हो, और मुद्रा को भी हम खर्च करना चाहते हो, और साथ में इसमें समय और कीमत को भी जोड़ते हैं। उसके बाद अपन ने व्यक्तिगत मांग देखा, बाजार मांग देखा, व्यक्तिगत मांग अनुसूची देखा, बाजार मांग अनुसूची देखा, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र देख लिया। तो आज बच्चों इतना ही काफी है, मेरे वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देखिए, वीडियो के बाद में मैंने इसके फोटो अपलोड किए तो उसको लिख लीजिए, अच्छे से याद कीजिए। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारी इस मांग को और कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।